वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉस्टल वार्डन के क्वेश्चन पेपर को। इसका पोस्ट कोड था 920, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर HPK का, हिमाचल प्रदेश के कौन से मंदिर का कारदार ठाकुर होता है जबकि पादरी लामा होता है। तो सही क्वेश्चन विकल्प होना था यहाँ पर ए, त्रिलोकीनाथ मंदिर, ठीक है। अगला है, 1903 में यातायात के लिए शुरू किए गए कालका शिमला रेलवे लाइन पर कितने मंदिर हैं। 103। आगे है, हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर 1983 में खुले विश्व का सबसे ऊंचा ऑफिस कौन सा है। सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस रहेगा यहाँ पर हिक्की, डी सही विकल्प होगा। आगे है, भीमकोट किसका पुराना नाम था। तो जो भीमकोट है ये पुराना नाम था कांगड़ा किले का, डी सही विकल्प होगा यहाँ। आगे है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान पांडव रानी द्रौपदी का अंतिम संस्कार भूमि मानी जाती है। तो ये होगा डी, टांडी। जो टांडी है यहाँ पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया था, ठीक है ना, ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। आगे है, लवी मेला किस स्तर का मेला है। तो जो लवी मेला है ये होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ गौर से देखा होगा तो ज़्यादातर प्रश्न हमारी वीडियोस में डिस्कस किए हुए पूछे थे, उतने हाई लेवल के प्रश्न नहीं थे HPGK के, ये हमने डिस्कस करे हुए हैं पहले, ठीक है ना। आगे है, देखो क्वेश्चन रिवाइज हुआ फिर से, कि जो भोजरी त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। इसे हमने 2-4 दिन पहले ही डिस्कस किया था। तो जो भोजरी त्यौहार मनाया जाता है ये चंबा में मनाया जाता है। आगे है, जापरोड लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले का है। तो जापरोड लोक नृत्य है किन्नौर का, ये सही विकल्प होगा यहाँ। आगे है, पहाड़ पे गाने नहीं होंगे पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी गई है शांता कुमार के द्वारा, यहाँ पर सही विकल्प भी होगा। ये सभी प्रश्न हमने पहले डिस्कस किए हैं दोस्तों, ज़्यादा टफ नहीं है। आगे है, किस वर्ष पठानकोट जोगिंदर नगर नैरो गेज रेलवे लाइन निर्माण का कार्य शुरू किया गया था। तो यहाँ पर सही विकल्प होना था ऑप्शन ए, 1926 AD में। आगे है, सिरमौर जिले में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित सीमेंट फैक्ट्री किस स्थान पे है। तो ये होगा राजवन में। आगे है, हिमसवान हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये किया गया था 2008 में। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई थी। 2009 में की गई थी ये। अगला क्वेश्चन है, पंडिता लासा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी में निर्मित है। तो ये हो जाएगा यमुना। अगला क्वेश्चन है, क्यास वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये दोस्तों कुल्लू में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1948 को किसकी अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो ये होगा शिवानंद रामोल के द्वारा। आगे था, हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1957 में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है। 1, और लाहौल स्पीति में 1 है। अगला क्वेश्चन है, नूरपुर राजसी राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी। तो ये की गई थी जेठपाल के द्वारा। आगे है, ग्यारदादून घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा सिरमौर में, ठीक है ना। आगे दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, इनको भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 34 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो ये था वनवेव, डी सही विकल्प होगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो आप अवश्य क्वेश्चन कीजिएगा, हम उसके ऊपर अवश्य डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 33 किस संगठन ने हाल ही में गूगल क्लाउड गैरेज लॉन्च किया। तो ये था विकल्प बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, 34, हाल ही में किस देश की नौसेना ने
नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीनी समुद्र में संयुक्त कवायद की, अर्थात किसने भारतीय नौसेना के साथ दक्षिणी चीन समुद्र पर एक ज्वाइंट एक्सरसाइज शुरू की थी, तो ये की गई थी वियतनाम के द्वारा। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में हैदराबाद में कैमरा नवाचार के लिए एक विशेष प्रयोगशाला की स्थापना की थी, तो ये होगा ओपो। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में कोविड 19 और टूरिज्म शीर्षक से रिपोर्ट जारी की थी, तो ये होना था अंकटाड के द्वारा। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्यूबा में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम था, तो जो क्यूबा में आया था उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो इसका नाम था एल्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 38, हाल ही में एशियाई देश ने आपराधिक संतापन और हवालात में मृत्यु पर एक विधेयक पारित किया था, कौन सा देश है, तो ये था पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुर्लभ मंकी वायरस से प्रथम ज्ञात मानव मृत्यु की जानकारी दी है, तो ये हो जाएगा चीन। चीन में ही ये रोग देखने को आया था, मंकी वायरस। अगला क्वेश्चन है, शहरोज काशिफ जो हाल ही में K2 शिखर पर पहुंचने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए, वह किस देश से संबंधित हैं, तो ये हो जाएंगे पाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम भारतीय शहर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए चुना गया है, तो ये हो जाएगा इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर अपनी वीडियो को समापन कर लेते हैं। धन्यवाद।